जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कुमार और आज के दिन एक बार फिर से हम लोग बात करने जा रहे हैं एबेक्सिया लाइफ केयर लिमिटेड कंपनी के बारे में। दोस्तों, एबेक्सिया लाइफ केयर के बारे में मैंने पहले भी काफ़ी बार वीडियो बनाकर आपको बताया है कि यदि आपका इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में है तो आप इस स्टॉक में बने रहिए, बेचने की गलती मत कीजिए। भले ही यदि आप लॉस में हो तब भी मैंने कहा था कि आप स्टॉक में बने ही रहिए, क्योंकि मुझे पता था कि इस स्टॉक में तेज़ी आएगी और ज़रूर आएगी। और इन दिनों आप जैसे कि देख सकते हैं इस स्टॉक में क्या शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। इन दिनों एक एक दिन में 18% और 19% की शानदार तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो बहुत से लोग जिनको लॉस हो रहा था उनका लॉस कुछ लोगों का रिकवर हो गया होगा, कुछ लोगों का रिकवर होने वाला होगा। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अब हमें आगे वो कौन सी सावधानियां बरतनी है ताकि फिर से हम वो गलती ना दोहराएं जो पहले हम लोगों ने गलती दोहराई थी, जिसकी वजह से एक साल तक हम इस स्टॉक में फंसे रह गए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज तकरीबन एक साल होने जा रहा है और एक साल के बाद इस स्टॉक में फिर से तेजी देखने को मिली और स्टॉक का प्राइस अब ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहा है, जिसकी बदौलत जिन लोगों का पोर्टफोलियो इस स्टॉक के रेट में था अब ग्रीन होते हुए दिख रहा है। तो उसी सावधानी के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा और आपको आगे क्या करना है, इन सभी मुद्दों पर एकदम तफसील से बात होगी। बस थोड़ा समय आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। देखिए, आज के दिन जो आप तेजी देख रहे हैं, एक दिन में तकरीबन आप 18.5% के आसपास तेजी देख रहे हैं, वहीं पर अब पिछले 6 महीने का भी ये जब आप तेजी देखेंगे तो इसमें भी तकरीबन 8.5% के आसपास तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि आपको पता है कि पिछले 6 महीने से तो स्टॉक नीचे ही जा रहा था, आपको अच्छी तरह पता है, लेकिन ये जो तेजी देखने को मिली है ना, वो इसलिए क्योंकि अभी इस स्टॉक का जो प्राइस है इसके लेवल से देखेंगे पिछले 6 महीने से तो उससे ऊपर निकल गया, इस वजह से पिछले 6 महीने का रिटर्न भी अब इसमें पॉजिटिव में दिखने लगा है। खैर, वो मैटर नहीं है। यहाँ पर भी देखेंगे तो 1 महीने में भी 32% और 1 सप्ताह में भी 54% के आसपास से स्टॉक चढ़ा है, जबकि आपको अच्छी तरीके से पता है तेजी अब आना शुरू हुआ है। अब देखिए, ये अच्छी बात है कि तेजी आना शुरू हुआ है, लेकिन हमें आगे क्या करना है उसके बारे में आप थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैंने एबेक्सिया लाइफ केयर का एक साल का चार्ट खोला हुआ है, यानी कि साल भर के अंतराल का यह चार्ट। देखिए, ये आप पूरा चार्ट यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, ये प्राइस आपको यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहा है। यहाँ से ये स्टॉक उठना शुरू हुआ है और प्राइस अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। अब सवाल है कि ये कितना ऊपर जा सकता है, तो आपको मैं यहाँ पर यदि लेवल खींच के दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि ये प्राइस अभी वर्तमान समय में आ सकता है यहाँ के आसपास, 2.5 रुपये के आसपास आ सकता है यहाँ से जब प्राइस उठना शुरू हुआ है। तो आप ध्यान देंगे कि जिन लोगों ने भी यहाँ पर यदि खरीदारी की होगी इस लेवल पर, या जिन लोगों ने यहाँ पर भी खरीदारी की होगी, ये तकरीबन 3 रुपये के आसपास का लेवल है और ये तकरीबन 2.5 रुपये के आसपास का लेवल है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने खरीदारी की होगी उनको तो आराम से उनका लॉस रिकवर हो जाएगा और बहुत समय को प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। और जिन लोगों ने यहाँ पर खरीदारी की होगी या जिन लोगों ने यहाँ पर खरीदारी की है 4 रुपये के आसपास, जब इस स्टॉक का प्राइस 2.5 रुपये के आसपास आएगा, तो जिन लोगों ने यहाँ पर इस लेवल बाई की है वो अपना आधा शेयर, एक मतलब जितने भी उनके पास शेयर हैं उसमें से आधा शेयर क्या करेंगे, सेल कर देंगे और बाकी का आधा शेयर ही अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे। क्योंकि अभी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पर जब आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि अभी जो इस स्टॉक का प्राइस है, देखिए ये तकरीबन यहाँ से उठना शुरू हुआ है, 1 रुपये से उठना शुरू और 2.5 रुपये तक आएगा। तो देखिए, होता क्या है कि जब स्टॉक का प्राइस कुछ मतलब नीचे से जब ऊपर आता है तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मार के फिर ऊपर की तरफ जाता है, तो यहाँ पर होगा प्रॉफिट बुकिंग, फिर प्राइस नीचे आएगा तो फिर आप तनाव में आ जाएंगे। और यहाँ से जब प्राइस नीचे आएगा ना तो काफ़ी तेज़ी से नीचे आएगा फिर, और लोअर सर्किट लग जाएगा क्योंकि ये पेनी स्टॉक है, तो यहाँ पर फिर आप निकल नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ आपको कि जब इस स्टॉक का प्राइस अभी जहाँ है, तो अभी कहाँ है, 2 रुपये के आसपास है, और 2 रुपये से बढ़कर 2.5 रुपये के आसपास आएगा। 2.5 रुपये तक इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना, ये इसका सपोर्ट लेवल है, पहले भी यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेवल है, पहले भी यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिए हुआ है, यहीं पर जाकर रेजिस्टेंस लेगा और उसके बाद फिर प्राइस नीचे आएगा तब ऊपर जाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब 2.5 रुपये के आसपास इसका प्राइस जाए तो वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, वहाँ पर इंतजार नहीं करना है। और जो जिनके पास बहुत अधिक क्वांटिटी है और जो लोग ऊपर लेवल बाई किए हैं वो क्या करेंगे, सिर्फ आधा शेयर ही सेल करेंगे और आधा शेयर को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके चलेंगे, क्योंकि उसके बाद जब रिट्रेसमेंट मार के प्राइस ऊपर जाएगा तब प्राइस उनके लेवल पर जहाँ पर उन्होंने बाई किया वहाँ तक पहुँचेगा और वहाँ पर फिर उनको प्रॉफिट होने के चांसेस रहेंगे। अभी इस कंपनी के Q3 के नंबर आए नहीं हैं, यहाँ पर यदि देख सकते हैं Q3 के नंबर अभी नहीं आए, कंपनी के सिर्फ सितंबर Q तक ही रिजल्ट आए हैं, यानी कि सिर्फ Q2 तक ही रिजल्ट आए हैं। तो यदि इस कंपनी के Q3 के नंबर जो इसी मंथ में आने के पूरे चांसेज हैं, Q3 के नंबर आते हैं और काफ़ी अच्छे आ जाते हैं, तब देखिएगा इस स्टॉक को रॉकेट बनने में देरी नहीं लगेगी, स्टॉक का प्राइस रॉकेट की रफ्तार से ऊपर की तरफ जाएगा। हो सकता है कि जो इसका प्रीवियस हाई है 5 रुपये के आसपास वहाँ तक भी आपको पहुँचते हुए दिखे, तो आपको बस Q3 के रिजल्ट आने तक का इंतजार नहीं करना है। हालांकि इंतजार तो करना ही है, लेकिन मैंने जो बातें बताई कि जिस लेवल पर आपको निकल जाना है वो आपको अपने माइंड में बैठा कर रखना है, उस पर काफ़ी ध्यान देना है, नहीं तो फिर से आप इसमें ट्रैप हो सकते हैं, फंस सकते हैं, क्योंकि ये पेनी स्टॉक है और पेनी स्टॉक में प्रॉफिट बुक करते रहना समय समय पर काफ़ी जरूरी होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि एबेक्सिया लाइफ केयर के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इस कंपनी से संबंधित मन में कोई अन्य भी सवाल है, कोई दूसरा सवाल है, तो आप हमसे कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा।
पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपके पास शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एंजल वन या एम एस स्टॉक के साथ हमारा फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।